मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बात आपसे कही थी कि सैमसंग गैलेक्सी M34 जुलाई महीने में इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। बेसिकली सैमसंग इस वाले फ़ोन की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन ये बात अब ऑफिशियली हो चुकी है क्योंकि सैमसंग ने एक टीजर पोस्ट करके ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि सैमसंग गैलेक्सी M34 जुलाई 7, 2023 को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली इसका एक सपोर्ट पेज भी लाइव हो चुका है और सैमसंग ने इस वाले फ़ोन्स के कुछ टीजर पोस्ट भी किए जिससे इस वाले फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस और इसके डिज़ाइन के बारे में ऑफिशियली कंफर्म किया जा चुका है कि सैमसंग क्या करने वाला है। बात करेंगे इस वाले फ़ोन के बारे में कि आखिर क्या नया हो सकता है, लेकिन एक चीज़ आपके स्क्रीन पर ज़रूर नहीं है, वो है चैनल की सब्सक्राइब बटन। तो नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना। सैमसंग टीजर पोस्ट तो चलो अलग बात है, लेकिन इस वाले फ़ोन्स के प्राइस को लेके थोड़े बेसिकली दो मत निकल के सामने आ रहे हैं क्योंकि दोनों फेमस टिप्स्टर हैं जिनके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि इसकी जो प्राइसिंग होगी वो लगभग हमें 20,000 से 25,000 के बीच में देखने को मिल सकती है। एक टीजर पोस्ट या फिर एक टिप्स्टर के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ये बेसिकली एक ही स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन एक टिप्स्टर ने ये क्लेम किया है कि यह बेसिकली दो स्टोरेज ऑप्शन में हमें देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं दोनों में क्या नया हो सकता है, क्या सही हो सकता है। बेसिकली हमें 7 जुलाई को ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेंगे इस वाले फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में क्या नए हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि दो अलग मत हैं, यानी पहले मत की अगर बात की जाए तो टिप्स्टर योगेश बरार के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि इस वाले फ़ोन की जो प्राइस होगी लगभग 20,000 के आसपास रखी जाएगी और ये बेसिकली एक सिंगल स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च होगा जो कि 8128 GB होगा। वहीं फेमस टिप्स्टर मिस्टर ईशान अग्रवाल ने ये क्लेम किया है, यानी उन्होंने एक ट्वीट किया है कि इस वाले फ़ोन की जो प्राइस होगी वो लगभग दो स्टोरेज ऑप्शन में देखने को मिलेगी और इसका जो स्टार्टिंग वेरिएंट होगा 6 GB होगा, इसकी प्राइस लगभग 21,000 रुपये के आसपास रखी जाएगी। लेकिन इसका जो हायर वेरियंट होगा जिसमें 8 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज होगी, उसकी प्राइस हमें 24,000 के आसपास देखने को मिलेगी। हालांकि स्ट्रांगली क्लेम कर रहे हैं कि अब दो स्टोरेज ऑप्शन होगा, अब ये तो वक्त ही बताएगा 7 जुलाई को कितने स्टोरेज कितने ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। लेकिन इनके हिसाब से, योगेश बरार के हिसाब से, इस वाले फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशंस है वो थोड़ा सा अटपटे नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर आपको डीमोटिवेट कर सकती है, वो है इस फ़ोन का प्रोसेसर, यानी वो आपको तगड़ा ही झटका देगा। 5.8 इंच की एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन की सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले होगी, 120 हर्ट्ज का सपोर्ट होगा साथ। लेकिन एक चीज और आपको डिमोटिवेट कर सकती है, वो इसका पंच होल कट, क्योंकि इस वाले फोन में पंच होल कट देखने को नहीं मिलेगा। इसमें एक यू शेप का वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल सकता है, एक्जीनोज 1280 SoC देखने को मिल सकता है इस वाले फोन में। थोड़ा सा मैंने कहा ना कि थोड़ा सा डिमोटिवेट हो सकते हो इसके प्रोसेसर के थ्रू, क्योंकि इसमें एक्जीनोज मिलेगा, कितनी कैसी परफॉर्मेंस होगी वो तो जब हाथ में आ जाता पता चलेगा। लेकिन इसके जो स्कोर्स वगैरह जो अभी तक लीक्स निकले उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा बैड चॉइस भी हो सकती है सैमसंग की तरफ से। लेकिन अब सैमसंग को अपना घर भी तो चलाना है, क्योंकि जो एक्सिनोस की जो खेती कर रहे हैं इंटरनली वो तो कहीं ना कहीं इनको सप्लाई देनी पड़ेगी। तो इस वाले फ़ोन में एक्सिनोस 1280 SoC देखने को मिलेगा। हालांकि बताया जा रहा है कि बेसिकली दो रैम ऑप्शन और स्टोरेज के साथ लॉन्च होगा, जैसे मैंने पहले ही कहा स्टार्टिंग में कि इस वाले फ़ोन्स को लेकर दो मत हैं। योगेश बरार के हिसाब से ये 8 GB रैम के साथ लॉन्च स्टार्ट होगा जो कि सिंगल वेरिएंट होगा, जैसे कि ऊपर मैंने ईशान अग्रवाल के बारे में बताया कि बेसिकली 6 GB से स्टार्ट होगा और इसका जो हायर वेरिएंट होगा 8128 हो सकता है, ये तो ड्रमा ही बताएगा। हालांकि एक चीज़ और कंफर्म हो है कि ये 128 GB स्टोरेज होगा और इसमें माइक्रो SD कार्ड के थ्रू बढ़ा सकते हो। पीछे की तरफ आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, लेकिन 2023 में जितने भी सैमसंग के फ़ोन लॉन्च हुए जिसमें से जो कैमरा अलाइनमेंट है वो भी इसमें सेम टू सेम नज़र आ रहा है। ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा जिसमें 50 का प्राइमरी होगा OIS के साथ, 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर बताया जा रहा है, एक 2 MP का माइक्रो एंड डेप्थ सेंसर कहा जा रहा है। हालांकि एक चीज़ इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि 4K 30 FPS को शूट कर सकते हैं, मतलब 4K रिकॉर्डिंग आपको वीडियो मिल सकती है। सेल्फी कैमरे की अगर बात की जाए तो 13 MP का क्लेम किया जा रहा है, मतलब 13 MP बताया जा रहा है जो जनरली है। लेकिन मैं एक्सपेक्टेशन थी कि सैमसंग की जो एम सीरीज आई थी उसमें जो सेल्फी कैमरा था वो हमेशा 32 MP का होता था, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गेम खेला, कॉस्ट कटिंग मारी और 13 MP का कैमरा चिपका दिया। हालांकि एक चीज़ और इसमें सही हो सकती है या हो चुकी है, पावर के लिए 6000 mAh की बैटरी दी गई है, 25 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी इसमें दिया हुआ है। लेकिन एक चीज़ क्वेश्चन है कि आखिर बॉक्स में चार्जर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर आउट ऑफ बॉक्स मिलेगी, वो है Android 13 और इसमें सैमसंग की UI 5.1 का हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जितने स्पेसिफिकेशंस लीक हुए इसके हिसाब से देखा जाए फोन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है,
लेकिन जो इसका डाउन साइड सबसे बड़ा वो है इसका प्रोसेसर, क्योंकि अगर ये स्नैपड्रैगन का कोई एक प्रोसेसर होता 7 सीरीज का या 4 सीरीज का तो शायद हो सकता था कि सैमसंग का ये फ़ोन थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता और अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता। लेकिन जिस हिसाब से इसकी प्राइस लीक हुई है, जिस हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशन से, उसके हिसाब से थोड़ा सा मुझे ये डीमोटिवेट कर रहा है। बाकी आप लोग के क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। बाकी अगर आप सैमसंग के एक नए अपकमिंग फोन के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो इधर मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।